हेलो बच्चों, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के इस नए पार्ट में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अलग अलग दिमाग के बच्चे होते हैं, सारे बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ ऐसे हैं, एक बार उनको कोई चीज समझाओ तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। वो एक से दो बार चीजों को पढ़ते हैं, उनको याद हो जाता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो समझते ही नहीं है कि आखिर ये लिखा क्या है, लेकिन वो लर्न करते हैं, उनको लर्न हो जाता है। और कुछ लोगों की मेमोरी वीक होती है, जो याद करते हैं जल्दी भूल जाता है। तो टैलेंटेड किसको कहेंगे? बात यह है कि टैलेंटेड किसको कहेंगे? देखिए, एक होता है टैलेंट और एक होता है हार्ड वर्क। टैलेंटेड वो है जिसको बहुत अच्छा दिमाग मिला हुआ है, गॉड गिफ्टेड दिमाग है। कोई भी चीज़ एक बार देखते हैं याद हो जाती है, आधी नींद में रहते हैं कुछ बताओ तो उनको दूसरे दिन याद रहता है, वो उनको टैलेंटेड कहेंगे। लेकिन हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, टैलेंट को बीट कर सकती है व्हेन, लेकिन उसकी भी एक शर्त है, व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, कठिन परिश्रम करके आप टैलेंट को बीट कर सकते हैं, उस आदमी को बीट कर सकते हैं जिसको गॉड गिफ्टेड बहुत अच्छा दिमाग मिला है, जिसको एक बार में चीजें याद हो जाती हैं, जो फार्मूला बेमन से याद करता है उसको याद रहता है। उस टैलेंटेड आदमी को एक अनटैलेंटेड आदमी अपने हार्ड वर्क से बीट कर सकता है, लेकिन कब? When talent doesn't work hard, अगर टैलेंटेड आदमी जिसके पास टैलेंट है, जिसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, जो तुरंत चीजों को समझ जाता है, उसके आगे की चीज सोच लेता है, एक टैलेंटेड आदमी को एक अनटैलेंटेड आदमी बीट कर सकता है, अगर वो टैलेंटेड आदमी हार्ड वर्क करना छोड़ दे। तो अभी स्लोगन में, इस स्लोगन में दोनों के लिए बातें हैं। जो टैलेंटेड हैं वो हार्ड वर्क करें, नहीं तो एक अनटैलेंटेड आदमी उनको बीट कर सकता है। और दूसरी बात अनटैलेंटेड लोगों के लिए है कि अगर वो हार्ड वर्क करना शुरू कर दें तो वो एक टैलेंटेड पर्सन को भी बीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो जो टैलेंटेड हैं वो इसलिए हार्ड वर्क करें कि कहीं एक अनटैलेंटेड पर्सन उनको ना हरा दे, और जो अनटैलेंटेड हैं, जिनको चार बार पांच बार पढ़ने में याद होता है, जो फार्मूला याद करते हैं सुबह शाम को भूल जाते हैं, वो फिर शाम को याद करें, दोपहर में भी याद करें, फार्मूले की एक अलग से कॉपी बनाए, उस कॉपी को हमेशा रीड करते रहें, पन्ना पलटते रहें हमेशा। तो जो हार्ड वर्क करेगा वो जीतेगा, अगर वो अनटैलेंटेड है तो भी हार्ड वर्क करके जीतेगा, और अगर वो टैलेंटेड है तो भी हार जाएगा अगर हार्ड वर्क करना छोड़ दे। तो सबको करना है हार्ड वर्क, तभी आप जो है जीवन में होंगे सक्सेस। तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक,
और डिफरेंशिएशन में काफी कुछ हो चुकी है हम लोगों को जानकारी। अब काफी कुछ जानकारी के बाद अब हम लोग पहुंचे हैं, अब हम लोग करेंगे इनवर्स का डिफरेंशिएशन। तो एक बार फटाफट सारे इनवर्स के फॉर्मूले हमको सुना दीजिए, क्या क्या होते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√ में 1 − x²। कॉस इनवर्स एक्स का भी यही होगा लेकिन माइनस में। ओके, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। और कॉट इनवर्स एक्स का यही होगा लेकिन माइनस के साथ। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/(x√) में 1 − x²। और कोसेक इनवर्स एक्स का भी यही होगा बट माइनस के साथ। ये हो गया सिंपल डिफरेंशिएशन। अब मान लो अगर दे दिया जाए साइन इनवर्स x/a का डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो साइन इनवर्स x/a का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पहले लगाओगे साइन इनवर्स का फार्मूला और सोचोगे कि x/a तो x है, इसको x समझोगे। और क्या करोगे? dy/dx = साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√ में 1 − x²। किसका फार्मूला लगाए? साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स को छुपा दो, छुपा दो। और अब क्या दिखने लगा? x/a। तो अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका? x/a का। तो ये आपका हो गया 1/√ में 1 − x²/a² और इनटू, देखो ए तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल के साथ है और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो अब ये एलसीएम लोगे तो ऊपर तो आएगा a² − x², लेकिन a² का रूट हो जाएगा ए, तो ये अपान में ए कैंसिल हो जाएगा, या ये कहो कि ये ए ऊपर चला जाएगा तब कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के आंसर क्या आएगा? 1/√ में a² − x². अच्छा, मान लो किसी ने दे दिया या कि डिफरेंशिएशन करना है टेन इनवर्स x² का, तो कैसे करोगे? पहले टेन इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए समझेंगे x। तो टेन इनवर्स x का 1/1 + x²। किसका फार्मूला लगाए? टेन इनवर्स का। और अब क्या दिख रहा है? टेन इनवर्स को छुपा लो, अब क्या दिख रहा है? x²। तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा। तो 1/1 + x⁴ x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x⁻¹⁰। तो टोटल आंसर हो गया 2x/1 + x⁴। ये हो गया सिंपल सिंपल इनवर्स का डिफरेंशिएशन। लेकिन लेकिन अभी आज हम लोग इन सिंपल क्वेश्चनों की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन। ऐसा डिफरेंशिएशन कि जब सिंप्लीफाई करके पहले चीजों को आसान जगह पर पहुंचाएंगे और फिर उसके बाद इनका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले जो सेकंड चैप्टर है सेकंड ईयर का, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके कुछ फार्मूले जान लिए जाए। तो
सबसे पहली बात ये हम बता रहे हैं बेसिक फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री और उसका इनवर्स अगर एक साथ होंगे तो दोनों हट जाएंगे, साथ में जो चीज है वही बच जाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स है तो टेन इनवर्स और टेन दोनों हट जाएंगे और जो साथ में ये एक्स है वही बच जाएगा। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे तो साथ में ये भी बताया गया होगा कि यहां पर एक्स वेरी करना चाहिए माइनस 90 से प्लस 90, और अगर टेन इनवर्स है तो वेरी करना चाहिए माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में, जबकि अगर कॉस इनवर्स है तो ये दोनों भी हट जाएंगे लेकिन एक्स वेरी करना चाहिए जीरो से 180 तक में। इसी तरह से और भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स और उसके साथ वाली चीज दोनों एक साथ हैं तो दोनों हट जाएंगे। तो ये अभी डीप नॉलेज नहीं, अभी केवल डिफरेंशिएशन करने के लिए ये समझ लीजिए कि कोई भी इनवर्स और वही ट्रिग्नोमेट्री अगर एक साथ होंगे तो दोनों हट जाएंगे, साथ में जो चीज है बस वही बच जाएगी। दूसरी बात आपको जानना चाहिए कि दो टेन इनवर्स को ऐड करने का फॉर्मूला होता है, ये भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है, लेकिन बस बेसिक फार्मूला जितना डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी है उतना हम आपको अभी फिलहाल बताएंगे और बाकी इनवर्स चेक करेंगे। तो दो टेन इनवर्स को ऐड करने का फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई, और अगर दो टेन इनवर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो बेसिक फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई। तो ये पहला ग्रुप है। अच्छा, दो साइन इनवर्स को ऐड करने का भी फार्मूला है। ये फार्मूला कुछ इस तरह से है कि साइन इनवर्स एक्स रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर दो साइन इनवर्स को माइनस करना है तो बस ये जो फार्मूले में प्लस है इसकी जगह पर रहेगा माइनस। तो ये सब फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी इनका यूज होगा। तो ये वीडियो रोक के आप नोट कर लेंगे। दो कॉस इनवर्स को ऐड करने का फार्मूला है, क्या है? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में एक्स वाई माइनस रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, किसी भी यहां एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे आप लर्न किए होंगे, यहां पर वाई स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन अगर दो कॉस इनवर्स को माइनस करना है तो यहां इन दोनों के मिडिल में यहां पर प्लस होगा, यानी कि उल्टा होता है। जब यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होता है, और जब यहां माइनस होगा तो यहां पर होता है प्लस। अच्छा, एक और ग्रुप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टेन इनवर्स में टू से मल्टीप्लाई हो
अगर टेन इनवर्स में टू से मल्टीप्लाई हो तो एक फार्मूला है इस टू को हटाने का। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टेन इनवर्स हो जाए, टू हट जाए, तो आपको यह लिखना पड़ेगा टेन इनवर्स टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर टेन इनवर्स में टू का मल्टीप्लाई है और आप चाहते हैं कि ये टू हट भी जाए और साथ ही साथ टेन इनवर्स बदल जाए साइन इनवर्स में, तो उसके लिए भी फार्मूला है। बस यहां माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। अब तीसरी इच्छा आपकी, तीसरी विश, अगर आप चाहते हैं कि ये टू हट भी जाए और टेन इनवर्स बदल जाए कॉस इनवर्स में, तो उसके लिए भी फार्मूला है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है टेन इनवर्स टू एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर को टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, इसे भी टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं और इसे भी टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और भी इनवर्स में बहुत सारे फार्मूले हैं। हमको लगता है कि इतने फार्मूलों से डिफरेंशिएशन बहुत हद तक हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर बीच में किसी फार्मूले की जरूरत पड़ी तो वो हम आपको क्वेश्चन के मिडिल में बता देंगे। ये फार्मूले आपको रखना है याद। तो अब हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सपोज कीजिए कि आपसे किसी ने कहा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर आप फार्मूला लर्न किए हैं तो आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स x। ये फार्मूला, ये इनवर्स का फार्मूला है कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x। और अब आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर देंगे 2 जो कि है वेरिएबल के साथ, उसको आपको ऐसे ही नोट कर देना है, और टेन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो लगा देना है। तो टेन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहां पर ये ना देकर टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन होता तब भी आप यही करते, और अगर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया होता तो देखो इसे भी हम लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स x। इसका मतलब है कि सेम आंसर मिलेगा, फंक्शन ये हो या ये हो या ये हो, तीनों का सेम आंसर होगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी क्या किया जाता है, कभी कभी, अच्छा एक बात और हमको याद आ गई कि हम लोग हो सकता है डिफरेंशिएशन में उसकी भी जरूरत पड़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको भी नोट कर लो। देखो साइन इनवर्स उसका उल्टा कोसेक इनवर्स और साथ में टेन इनवर्स, इनके साथ अगर है माइनस, कौन कौन, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स, इनके साथ है माइनस तो वो माइनस निकल जाएगा बाहर,
ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये माइनस निकल आएगा बाहर। लेकिन अगर कॉस इनवर्स इसका उल्टा सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स इनके साथ है माइनस, तो इनके साथ वाले माइनस भी बाहर निकलते हैं, लेकिन एक कंडीशन रखते हैं। ये कहते हैं कि पहले लिखो पाई तब हम निकलेंगे बाहर। तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इस माइनस को बाहर निकलने से लगता है डर, तो पहले बुलाना पड़ता है पाई को, तब ये माइनस निकलता है बाहर। इस माइनस को भी लगता है डर बाहर निकलने में, तो पहले बुलाना पड़ता है पाई को, तब ये निकलता है बाहर। तो ये भी इनवर्स के फार्मूले का एक ग्रुप है, हो सकता है कहीं इनकी भी जरूरत पड़े। अच्छा, तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। इनका डिफरेंशिएशन, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2/1 + x²। लेकिन कभी कभी ऐसा किया जाता है कि जहां पर आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स, वहां दे दिया जाता है साइन इनवर्स। जहां पर आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स, वहां दे दिया जाता है साइन इनवर्स। तो इसके लिए एक और फॉर्मूले का ग्रुप करना होगा तैयार। वो क्या है? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स। जो टर्म साइन इनवर्स के साथ है बिल्कुल वही चीज, अगर कॉस इनवर्स के साथ हो, जो टेन इनवर्स के साथ है बिल्कुल वही कॉट इनवर्स के साथ हो, और या फिर जो सेक इनवर्स के साथ है बिल्कुल वही चीज कोसेक इनवर्स के साथ है, तो इनका एडिशन हो जाता है पाई बाई टू। मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फार्मूले होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते हैं कि आप लर्न न रख सकें। तो याद करेंगे, याद होगा। अच्छा, तो अब आया जाए वापस डिफरेंशिएशन पे, और कभी कभी ऐसा होता है कि साइन इनवर्स के साथ जो सूटेबल है ये, वहां साइन इनवर्स नहीं, दे दिया जाता है कॉस इनवर्स। यहां पर दे दिया जाता है कॉस इनवर्स, तो अब क्या करेंगे? कॉस इनवर्स के साथ ये रहे तो नहीं अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद साइन इनवर्स के साथ अगर दे दिया गया वो चीज जो एक्चुअल में किसके साथ होना चाहिए था, कॉस इनवर्स के साथ, ये कॉस इनवर्स के साथ रहे तब इसे लिख सकते हैं 2 tan inverse x, और ये साइन इनवर्स के साथ रहे तब इसको लिख सकते हैं 2 tan inverse x। बट जहां होना चाहिए था साइन इनवर्स, वहां दे दिया गया कॉस इनवर्स, और जहां होना चाहिए था कॉस इनवर्स, वहां दे दिया गया साइन इनवर्स। तो आप एक फार्मूले का यूज करें कि कॉस इनवर्स, या पहले चलो साइन इनवर्स लिख लेते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इक्वल टू होता है पाई बाई टू।
तो आप क्या करोगे, आप अभी डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, सबसे पहले ये कहोगे कि कॉस इनवर्स एक्स को, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन अगर ये फार्मूला इसके लिए यूज कर रहे हो तो एक्स की जगह लिखना पड़ेगा टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स ए को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ए। अब देखो, जो आप चाहते थे कि टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर किसके साथ रहे तो अच्छा है, साइन इनवर्स के साथ, तो ये साइन इनवर्स के साथ हो गया। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर ये साइन इनवर्स के साथ हो गया। अब क्या किया जाए, अब कर दिया जाए, नहीं एक स्टेप और, इसको लिखा जाए पाई बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है इससे, और इसकी जगह लिख दिया जाए टू टेन इनवर्स एक्स। यही तो फार्मूला होता है, यही तो फार्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स का। तो अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। जिस टर्म में एक्स है ही नहीं वो है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। माइनस टू को ऐसी नोट कर लेंगे क्योंकि ये चर के साथ, वेरिएबल के साथ है, और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही ये किसके लिए है, होना चाहिए कॉस इनवर्स के लिए। अगर ये कॉस इनवर्स के साथ होगा तो अच्छा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां भी इसी फार्मूले का करेंगे यूज, और साइन इनवर्स को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स। अब चीजें आपके फेवर में आ गई हैं, अब कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो क्या, टू टेन इनवर्स एक्स। ये टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। और अब अगर यही चीज मिल गया तो डिफरेंशिएशन करने पर वापस वही आंसर मिलेगा, माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ जानकारियां मिली, ये कुछ जानकारियां मिली। अब हम लोग लगाते हैं शीट के क्वेश्चन, शीट के क्वेश्चन। तो शीट में इनवर्स में पहला पहला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन को इस तरह से लिखा गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और आंसर आना चाहिए टू बाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में प्रिंट हो तो नोट करते समय आपको ऐसे नोट करना चाहिए, वाई इक्वल टू, ये फंक्शन है, साइन इनवर्स टू एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन को ऐसे नोट करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग ये भी फार्मूला लर्न किए हो, जैसे आप ये लर्न करते हैं कि साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा टू टेन इनवर्स एक्स। वैसे में भी आपने ये फार्मूला लर्न किया हो कि साइन इनवर्स टू एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ऐसा कोई फार्मूला लर्न नहीं किए हैं,
तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप कोशिश करेंगे कि हम x को कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्री सपोज करें, माने कि साइन इनवर्स के साथ साइन आ जाए, साइन इनवर्स के साथ साइन आ जाए। अब आप इसको ध्यान से देखो, क्या ये आपको किसी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की याद दिला रहा है? ध्यान से देखो कि किसी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की याद दिला रहा है। ये देखो, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। ये सोचकर अगर एक्स को मान लिया जाए साइन थीटा, एक्स को मान लिया जाए साइन थीटा और यहां पर एक्स की जगह साइन थीटा रख दिया जाए, क्या फायदा होगा? देखिए, बिना फायदा के तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। चलो यहां भी साइन थीटा तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर रूट लगा है तो सिर्फ होगा कॉस थीटा। टू साइन थीटा और ये क्या हो गया कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला होता है किसका, फटाक से बोलो किसका, साइन टू थीटा का। टू साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला होता है साइन टू थीटा का। अब देखिए, साइन इनवर्स और साइन एक साथ हैं, साइन इनवर्स और साइन एक साथ हैं तो दोनों हट जाएंगे। ये इनवर्स का रूल है भाई, ये डिफरेंशिएशन का रूल नहीं है, इनवर्स का रूल है कि साइन इनवर्स और साइन एक साथ रहेंगे दोनों हट जाएंगे, बचेगा टू थीटा। हम जिसको हटाना चाहते थे वो अब हट चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, लेकिन उस डिफरेंशिएशन के पहले हम थीटा को वापस एक्स के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो हम थीटा की बिफोर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने से पहले थीटा को लिख लिया जाए साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया टू साइन इनवर्स एक्स। अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, टू तो ऐसे ही रहेगा और साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है वन बाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर, ये 21 नहीं है, ध्यान देना, ये है टू बाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया पहला पहला क्वेश्चन। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि साइन इनवर्स की जगह रहता है कॉस इनवर्स, हालांकि सुटेबल तो इसके लिए साइन इनवर्स था, लेकिन अगर यहां दे दिया जाए कॉस इनवर्स तो आप दो काम कर सकते हो। अच्छा, तब यहां दिया जाएगा कि इसको माइनस में लाना है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है इसको लाना है माइनस में। तो सुटेबल तो यहां था साइन इनवर्स, लेकिन यहां पर दे दिए कॉस इनवर्स, तो दो काम कर सकते हो। एक वो वाला काम कर सकते हो जो इसके पहले बताए थे कि कॉस इनवर्स को लिख सकते हो 90 माइनस साइन इनवर्स। तो यहां पर आपका 90 माइनस, मतलब कॉस इनवर्स को लिख सकते हो 90 माइनस साइन इनवर्स। अब ये 90 और माइनस, 90 और माइनस लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो और साथ में ये वाला काम करते रहो करते रहो करते रहो, लास्ट में मिलेगा
90 माइनस 2 थीटा, तो अब यहां पर कर दोगे 90 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी कि जब आप करोगे डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0, लेकिन यहां पर रहेगा माइनस, और तब आपका आंसर प्लस की बजाय आ जाएगा माइनस में। तो एक काम ये कर सकते हो, लेकिन लेकिन अगर कॉस इनवर्स रहने पर भी साइन थीटा मान लेते हो, दूसरा तरीका भी देख लो। ये तो समझ ही गए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका फंक्शन है कॉस इनवर्स तो अब ये नहीं कि साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन लगाए तो यानी एक्स को साइन मानना पड़ेगा, कॉस इनवर्स वाला क्वेश्चन लगाए तो एक्स को कॉस मानो, ऐसा कुछ नहीं। जो यहां सुटेबल है वो मानो, भले यहां पर कॉस इनवर्स है लेकिन ये तो किस फार्मूले की तरह है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप साइन नहीं मानो। भले यहां पर कॉस इनवर्स है आप साइन नहीं मानो, तो जब आप सपोज करोगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो समझ रहे हो पिछला क्वेश्चन अभी लगा है ये कुल मिला के हो जाएगा साइन टू थीटा। अब हो गई बड़ी दिक्कत वाली बात, कॉस इनवर्स के साथ आ गया है साइन, अगर कॉस इनवर्स के साथ कॉस रहेगा तब ना दोनों हटेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हमें अब जरूरत पड़ गई है कॉस की, तो कॉस इनवर्स, अब देखिए साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और अब कॉस और कॉस इनवर्स एक साथ हैं हट गए, क्या बचा, बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और अब थीटा को वापस बदल देंगे और लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, अब थीटा को देंगे बदल और उसकी जगह लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, और अब करेंगे डिफरेंशिएशन। तो जब करेंगे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, और साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा दो तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन हो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 4√x बाई 1 − 4x, लाना है 2 √x इंटू 1 + 4x। कहां से नोट हो रहा है, किस बुक का क्वेश्चन है, ये सब मत सोचो, लगभग सभी बुक में इसी टाइप के हैं क्वेश्चन, और अगर इतने क्वेश्चन लगा लिए तो किसी भी एकेडमिक बुक से लगाओ, पक्का क्वेश्चन लगना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऐसे नोट करेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स 4√x बाई 1 − 4x। अब हम लोगों के पास आ गया है इनवर्स वाले क्वेश्चन लगाने का दो दो तरीका। इतनी पढ़ाई करने के बाद क्या दिमाग में इंटर किया कि हम लोगों के पास अब दो तरीके हैं, या तो हम लोग
कोई याद किया हुआ फार्मूला। ये मिलेगा, तो एक फार्मूला याद किए हुए हैं, वही फार्मूला यहां अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनवर्स चैप्टर तो हम पढ़ के ही ये लगाएंगे। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, हमें एक्स को कुछ सपोज करना पड़े, जैसे कि हमने यहां पर सपोज कर लिया था साइन थीटा। तो अब आपके पास कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं। पहला मेथड है कुछ सपोज कर लेना, ताकि कॉस इनवर्स के साथ कॉस आ जाए, कुछ सपोज करो कि टेन इनवर्स के साथ टेन आए, या तो याद किया हुआ, लर्न किया हुआ कोई फार्मूला डायरेक्ट यहां पर काम आ जाएगा। अब देखो, अब अपने क्वेश्चनों को दो ग्रुप में बांटना होगा, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फार्मूले से हो जाएंगे, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक्स को कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो अब ये देखो, तो अब ये देखो हमको तो दिख रहा है किसी फार्मूले की तरह है। देखो कैसे, अभी देखना इसका हम रूप परिवर्तन करके कैसे फार्मूले की तरफ बनाते हैं। यहां से करो टू को अलग, क्या बचा? टू रूट एक्स, और इसको लिख सकते हो टू रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहां से हमने क्या किया, टू को अलग, क्या बचा? टू रूट एक्स, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हो? टू रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को देखो, जब टेन इनवर्स में दो का मल्टीप्लाई हो तो उसको टेन इनवर्स में बदलने वाला फार्मूला, इन दोनों को टैली करो तो आप पाओगे, देखो टू की जगह टू, वन की जगह वन, माइनस की जगह माइनस, दिख रहा है? और जहां पर दिख रहा है एक्स, वहां दिख रहा है टू रूट एक्स। जहां इसमें एक्स दिख रहा है, वहां इसमें क्या दिख रहा है? टू रूट एक्स। तो बिल्कुल ये इसी फार्मूले की तरह है, जो टेन इनवर्स में टू का मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल इस फार्मूले की तरह है, बस थोड़ा सा है अंतर। क्या है अंतर, क्या है डिफरेंस, कि जहां जहां इसमें है एक्स, वहां वहां इसमें है टू रूट एक्स। देखो ध्यान से इसको टैली करो, टू तो है, बस जहां एक्स है फॉर्मूले में, यहां पर क्या है? टू रूट एक्स। तो अब बताना जैसे इसको लिख सकते हो टू टेन इनवर्स एक्स, इसको भी टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, लेकिन एक्स की जगह आपको एक्स नहीं लिखना है, एक्स की जगह आपको लिखना है टू रूट एक्स। अब बताओ, इतना बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन एकदम। टू को कर लिया हमने अलग, तो बचा टू रूट एक्स, और इसे लिख सकते हैं टू रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बिल्कुल हो गया इस फार्मूले की तरह, और हमने जब ये फार्मूला किया अप्लाई, तो हमको x की जगह लिखना था टू रूट एक्स, हमको x की जगह लिखना था टू रूट एक्स, तो हमने यहां पर लिखा टू रूट एक्स। अब पहले से काफी हो चुका है छोटा, अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। यहां पर हम कुछ सपोज तो किए नहीं है अपने से कि x बराबर साइन थीटा, x बराबर टेन थीटा, सपोज तो किए नहीं है, तो जो मिला उसको चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। अगर सपोज किए होते x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की जगह लिखना पड़ता साइन इनवर्स x, लेकिन सपोज तो हम किए ही नहीं है, तो जब नहीं सपोज किए हैं तो यहां पर तुरंत डिफरेंशिएशन। तो जब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो तरीका देखो, सबसे पहले टू को ऐसे ही नोट कर दो,
क्योंकि वो एक्स के साथ है, एक्स की कृपा छाया में है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां पर सबसे पहले टैन इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे और साथ में जो चीज है उसको समझेंगे कि वो एक्स है। टैन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + एक्स का स्क्वायर। किसका फार्मूला लगाए? टैन इनवर्स का। तो टैन इनवर्स को छुपा लीजिए। अब क्या दिख रहा है? 2√x। तो इसमें इंटू कर देंगे 2√x के डिफरेंशिएशन से। वन लाइन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वन लाइन डिफरेंशिएशन। 2 ऐसे ही रहेगा और √x का डिफरेंशिएशन हम कहते हैं, याद कर लेना, 2√x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। टेन इनवर्स x का 1/1 + x²। 2 ऐसे ही रहेगा और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। तो इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, तो ऊपर आ गया एक 2, नीचे हो गया √x, और बड़े सम्मान के साथ एक ब्रैकेट में लिख दो 1+4x, 1+4x। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन का, तो इसको कर लेना नोट और बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ना है, फोर्थ क्वेश्चन लगाना है। फोर्थ क्वेश्चन है d/dx। सारे क्वेश्चन ऐसे नोट कर दिए हैं ताकि, हालांकि कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आए एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे प्रूव करने वाले में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया। अब जो मिला है फंक्शन उसको y इक्वल टू करके लिख लिया जाए। टेन इनवर्स e^2x + 1 अब देखो बहुत बढ़िया चीज यहां पर जा रहे हैं सिखाने। टेन इनवर्स के साथ ऊपर प्लस नीचे माइनस, टेन इनवर्स के साथ ऊपर प्लस नीचे माइनस। याद करो, याद करो, कोई ऐसा फार्मूला जो तुम पढ़े हो, टेन इनवर्स का फार्मूला ऊपर प्लस नीचे माइनस। याद करो, याद करो, याद करते करते याद आया कि दो टेन इनवर्स को माइनस करने वाला जो फार्मूला, प्लस करने वाला जो फार्मूला होता है उसमें ऐसा होता है कि ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है माइनस। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे जगह दिमाग गया कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ऐसा कहां होता है? टेन इनवर्स के किस फार्मूले में होता है? टेन इनवर्स के इस फार्मूले में होता है ऊपर प्लस नीचे माइनस। और देखो, ध्यान दो यहां पर, वन सबसे ज्यादा ध्यान कहां देना है? यहां पर होना चाहिए वन। यहां जो मन करे वो रहे, यहां जो मन करे वो रहे, यहां जो मन करे वो रहे, यहां पर होना चाहिए वन। यही है हमारा टारगेट, यहां पर होना चाहिए वन। और हम जो ये देख रहे हैं उसमें वन है, वन तो इसमें है, लेकिन हमको चाहिए प्लस वन। सबसे पहला ध्यान इसी वन पर लगाएंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे टेन इनवर्स के, जब ऊपर होगा प्लस नीचे होगा माइनस, या ऊपर होगा माइनस नीचे होगा प्लस। तो अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, क्या चल रहा है हमारे दिमाग में? हम ऊपर वाले को ऐसे ही नोट कर देंगे और इसे वन बनाने के लिए माइनस ले लेंगे कॉमन। ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस में। जब हम यहां से लेंगे माइनस को कॉमन, याद करो अभी यहां पर हमने लिखा था कुछ देर पहले, 10 मिनट पहले लिखा था कि टेन इनवर्स के साथ वाले माइनस का क्या होता है।
टेन इनवर्स के साथ वाला माइनस निकलता है बाहर, टेन इनवर्स वाले माइनस को नहीं लगता है कोई डर, वो पाई को नहीं बुलाता है सिक्योरिटी के लिए, वो ऐसे ही बाहर निकल जाता है। कौन कौन सा माइनस बाहर निकलता है? टेन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स वाला और कोसेक इनवर्स वाला। तो ये माइनस निकलेगा बाहर, तो पहले लिख दो माइनस, ये माइनस निकल गया बाहर, टेन इनवर्स ई पे पावर टू एक्स माइनस वन अपान वन माइनस ई पे पावर टू एक्स। अब देखो, अब इन दोनों को टैली करो, अब इन दोनों को टैली करो, क्योंकि अरे ये तो हो गया गलत, ऊपर प्लस है भाई, ऊपर प्लस है। अब दोनों को टैली करो, टैली करो, क्या पाओगे? पाओगे ये कि x की जगह पर है e पे पावर 2x, x की जगह पर है e पे पावर 2x और y की जगह पर है 1। तो जब इसे इन दोनों में ब्रेक करोगे, ये वाला y नहीं, ये तो उधर है, आप फार्मूला लगा रहे हो लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाले y को मत लिख देना वन, ये तो फंक्शन है भाई, ये फंक्शन है। ये अलग बात है कि फंक्शन को भी सपोज करते हैं y से अधिकतर, और फार्मूला जो लर्न करते हैं वो भी x और y के रूप में ही लर्न करते हैं। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हर y की जगह लिख दिए वन तो उधर भी लिख दिए वन, नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये केवल लेफ्ट साइड में फार्मूला लग रहा है। तो माइनस लिखो, माइनस लिखो, और अब इसको ब्रेक करना इन दो में, तो आप x की जगह लिखोगे e पे पावर 2x और y की जगह पर कितना लिखना है 1, ये देखो टैली करो, y की जगह पर कितना लिखना है 1, तो x की जगह लिख दो e पे पावर 2x और प्लस इस y की जगह पर लिख दो 1। और अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब कर दो डिफरेंशिएशन। तो जब करोगे डिफरेंशिएशन तो माइनस ऐसी रहेगा, यहां पर तीन तीन रूल लगेंगे एक साथ, वन लाइन डिफरेंशिएशन अब कर रहे हैं इसीलिए वन लाइन डिफरेंशिएशन सिखाए थे, कि देखो यहां पर तीन रूल लगेगा, कौन कौन सा? टेन इनवर्स का, ई पे पावर एक्स का और टू एक्स का। याद रखना, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पहले करो, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू टेन इनवर्स का फॉर्मूला लग गया, टेन इनवर्स को छुपा लीजिए, अब ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, अब ई पे पावर एक्स यानी ई वाला फॉर्मूला लग गया, छुपा लीजिए, अब क्या दिख रहा है? टू एक्स, टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू प्लस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स वन, जब इसमें एक्स वाई कुछ है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। तो क्या मिला? मिला माइनस टू ई पे पावर टू एक्स बाई वन प्लस ई पे पावर फोर एक्स, माइनस टू ई पे पावर टू एक्स, ये देखो टू टू जा फोर, एक ही बेस पे दो दो पावर हो तो दोनों पावर का हो जाएगा इनटू। तो जो हमको करना था प्रूफ वो आ चुका है। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो दो तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इनवर्स में, या तो इनवर्स चैप्टर में याद किया हुआ कोई फार्मूला यूज हो जाएगा, और नहीं तो फिर एक्स को कुछ सपोज करना पड़ेगा, एक्स को कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो अब यहां पर हमारा वाई है, वाई है टेन इनवर्स रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स,
ये क्वेश्चन लगाना है। अब देखिए इतना ये रूट में, फिर केवल ऊपर माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस होता तो किसी फार्मूले की तरह होता। तो अब पहचानिए, पहचानिए इस क्वेश्चन को, ये वो क्वेश्चन है जहां पर इनवर्स में याद किया हुआ कोई फार्मूला काम नहीं आएगा, बल्कि अपनी समझदारी से एक्स को कुछ सपोज करना पड़ेगा। क्या सपोज किया जाए अब सोचिए। तो एक्स को हम क्या सपोज करें, साइन, कॉस, टेन, क्या सपोज करें? तो जब आप ये डिस्कस करोगे तो ये देख कर कि वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ध्यान से सुनो, ये देख कर कि वन प्लस एक्स स्क्वायर है, साइन और कॉस को निग्लेक्ट कर दोगे, साइन और कॉस को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ खास नहीं होता, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कुछ खास नहीं होता, टेन बढ़िया रहेगा, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर अगर आप एक्स को सपोज करते हो टेन थीटा, टेन थीटा, तो इस एक्स की जगह हो जाएगा टेन थीटा, लेकिन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, सेक थीटा, और ये माइनस वन, ये माइनस वन रहेगा। समझ रहा ना यहाँ पे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और उसका रूट कितना होगा, सेक थीटा। अभी भी काम नहीं बना, तो अब हम क्या करेंगे, सेक को लिखेंगे वन बाई कॉस और टेन को लिखेंगे साइन बाई कॉस। अब वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर देखो एलसीएम ले लिया जाए कॉस थीटा, तो बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, और नीचे है साइन बाई कॉस, कॉस थीटा हो गया कैंसिल, तो y इक्वल टू बचा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कई बार पहले भी, कई बार नहीं मतलब 10-20 बार नहीं, लेकिन 2-3 बार तो ये बता ही चुके हैं कि वन में कॉस सब्ट्रैक्ट हो तब भी फार्मूला है, वन में कॉस ऐड हो तब भी फार्मूला है, और ये आपको रखना है याद। तो टेन इनवर्स, जब वन में कॉस सब्ट्रैक्ट हो तो लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, नो हम ही भूल गए, जब वन में कॉस सब्ट्रैक्ट हो तो लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। और अब बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात, ऊपर एंगल का हो चुका है हाफ, ऊपर एंगल का हो चुका है हाफ, तो नीचे साइन का ऐसा कोई फार्मूला लगाइए कि नीचे भी एंगल हो जाए हाफ, तो साइन 2a का ये फार्मूला है 2 साइन a कॉस ए, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। अब इस फार्मूले को कैसे आप याद करेंगे, ये फार्मूला एंगल को कर देता है हाफ, पहले भी यूज हो चुका है, तो साइन को लिख सकते हैं 2 साइन एंगल का हाफ, फिर कॉस एंगल का हाफ, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन एंगल का हाफ, फिर कॉस एंगल का हाफ, ये 2 कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो गया, तो वाई इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स साइन बाई कॉस, देखिए साइन बाई कॉस बचा, साइन बाई कॉस होता है टेन। अब जाके इतनी मेहनत करने के बाद अब जाके टेन इनवर्स और टेन एक साथ हैं, दोनों हट गए, तो क्या बचा थीटा बाई टू,
अब जाके इतना मेहनत करने के बाद टेन इनवर्स और टेन एक साथ हैं, दोनों हट गए, तो क्या बचा? बचा थीटा बाई टू। तो अब यहां तक नोट कर लेंगे आप। तो अब इसको देखते हैं मीठा, और बहुत हद तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी है। y इक्वल टू देखिए 1/2 है, 1/2 थीटा को बदलना होगा फिर से x के टर्म में। तो थी क्या माने थे याद है? x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा को क्या लिख देंगे? टेन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन करने से पहले थीटा को फिर से एक्स के रूप में बदल कर लिख देंगे। और अब dy बाई डी एक्स, अब बारी आ गई है डिफरेंशिएशन की। 1/2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक्स के साथ है, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो यही हम लोगों को लाना था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, देखिए टेन इनवर्स, ऐसे नोट कर दें, टेन इनवर्स ए एक्स प्लस बी बाई बी एक्स प्लस ए। अरे इसमें तो हो गया है कुछ गड़बड़, ऊपर होगा माइनस। देखिए अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो कौन सा फार्मूला ध्यान में आ रहा है आपके? ए और बी के रूप में फार्मूला लिख दीजिए। ए और बी के रूप में फार्मूला लिख दी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसा होता है इस फार्मूले में, दो टेन इनवर्स को प्लस करने वाले फार्मूले में। तो यहां पर क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी है? यहां पर जरूरी है वन, वन जरूरी है। तो या तो बी एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहां वन हो जाए, या यहां भी वन हो गया कोई बात नहीं, इसको भी तो पहले लिख सकते हैं। ए कॉमन ले लीजिए तो ये वन हो जाएगा। तो यही काम करना है आपको। अगर आप ए कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा वन और यहां बचेगा बी एक्स बाई ए, क्योंकि ए कॉमन ले लिए तो ऐसे करना पड़ेगा डिवाइड। जो चीज नीचे से कॉमन लिए हैं बिल्कुल वही चीज आप ऊपर से भी कॉमन लेंगे ताकि दोनों हो जाएं कैंसिल। तो ए कॉमन लेने पर यहां बचेगा एक्स और ए कॉमन लेने पर यहां बचेगा बी बाई ए, ए से हो गया कैंसिल। बी एक्स भी कॉमन ले सकते थे, उससे अच्छा है ए कॉमन ले लीजिए। यहां पर बन गया ना वन, और यहां से ए कॉमन लिए तो ए से डिवाइड करना पड़ेगा बी एक्स बाई ए, ए और ए हो गया कैंसिल। अब दोनों को टैली कीजिए, अब दोनों को टैली कीजिए तो आप देखेंगे कि अच्छा ऊपर माइनस है नीचे प्लस, ये तो ध्यान नहीं दिए, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, तो इस वाले फार्मूले स्टैली कीजिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस हो तो प्लस वाले फार्मूले स्टैली कीजिएगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, जहां ए है वहां पर है एक्स, और जहां बी है वहां पर है बी बाई ए। इस फार्मूले को आप एक्स और वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू हो गया, जब इस टर्म में है, इसको ब्रेक करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, a की जगह क्या लिखना है x, और b की जगह क्या लिखना है, यहां माइनस ना, b की जगह क्या लिखना है b बाई ए। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, क्योंकि भाई इसमें कुछ सपोज उपोज नहीं किए हैं, कुछ सपोज नहीं किए हैं कि बाद में बदलना पड़े। तो अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन।
dy by dx बराबर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 + x²। ये तो फार्मूला है और इसमें कोई x है ही नहीं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1 + x²। अब तो काफी कुछ देख चुके डिफरेंशिएशन में, तो अब कुछ तेजी से भी क्वेश्चन बताए जा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन न समझ में आए तो वीडियो को रोककर, वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना। वाह क्या क्वेश्चन, ऊपर प्लस नीचे माइनस और यहां पहले से ही वन, ऊपर प्लस नीचे माइनस और यहां पहले से वन, तो क्या करना है, तुरंत लिखना है ये फार्मूला कौन सा, दो टेन इनवर्स को प्लस करने वाला फार्मूला वापस एक्स वाई के रूप में लिख दिए। एक्स वाई बड़ा पसंद है आप लोगों को, और जैसे इन दोनों को टैली करेंगे आप पाएंगे एक्स की जगह तो एक्स ही है और वाई की जगह है रूट एक्स। अगर एक्स में मल्टीप्लाई होगा इसका और इस एक्स को अंदर भेजेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। जब बाहर से कोई चीज रूट के अंदर जाएगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए एक्स क्यूब, और यहां भी देखिए ए एक्स क्यूब है, यानी ये जो है वो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल सब कुछ है हमारे फेवर में, और जब हम ये फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे, यहां नहीं भाई यहां पर अप्लाई करेंगे, तो एक्स की जगह लिखेंगे एक्स और वाई की जगह लिखेंगे रूट ए एक्स। अच्छा एक काम किया जाए, रूट ए एक्स में रूट ए और रूट एक्स को अलग अलग लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब करना है हमको डिफरेंशिएशन, तो टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है फिर प्लस, पहले टेन इनवर्स का रूल लगाइए तो 1/1 + इसका स्क्वायर फिर इंटू, अब टेन इनवर्स को छुपा लीजिए तो अब करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो रूट ए ऐसे ही रहेगा और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद करा दिए हैं 1/2 √x, ये स्क्वायर लिखना भूल गए। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + x²। अब टेन इनवर्स को छुपा लीजिए, रूट ए ऐसे ही रहेगा और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √x, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर आप इसको खूब लगाइए और फिर किसी भी बुक से, जो बुक आपके स्कूल में चलता है उससे लगा सकते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं क्वेश्चन, ऊपर 2x नीचे 5, दो ऐसे नंबर खोजिए इंटू करने पे 15 आए और माइनस करने पे 2, दो ऐसे नंबर खोजिए इंटू करने पे 15 आए माइनस करने पे 2, 5 और 3, 5 × 3 = 15 और 5 में से 3 माइनस होता है तो 2। अगर आप ध्यान से सुनिए, ये है 15 और ये है 2x, ये है 15 ये है 2x, ध्यान से सुनिए, यहां 1 है और यहां प्लस है, इसको ऐसे दो नंबर में तोड़िए
2x को ऐसे दो नंबर में लिखिए, बीच में होना चाहिए माइनस, ताकि कॉम्बिनेशन बढ़िया बने, ऊपर माइनस नीचे प्लस। और 2x को ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आए, मतलब जैसे आप क्वाड्रेटिक में सोचते हैं, क्वाड्रेटिक में द्विघात में सोचते हैं, गुणा करने पर 15 आए और घटाने पर 2, यानी कि प्रोडक्ट हो 15 और माइनस करने पर आए 2, 5 3 जा 15, और 5 में से 2 माइनस, 5 में से 3 माइनस हो जाए तो होगा 2। सोचिए, अगर आप यहां लिखते हैं 5x-3x, तो 5x में 3x का इंटू करने पे 15x² आ जाता है, और 5x-3x कितना होता है, 2x। 5x-3x हो जाता है 2x होता है। अच्छा, अगर नीचे माइनस दिया होता, अगर नीचे माइनस दिया होता तो ऊपर जरूर 8x देता, क्योंकि अगर नीचे माइनस है तो ऊपर होना चाहिए प्लस, नीचे प्लस है तो ऊपर होना चाहिए माइनस। अब ये किस फार्मूले की तरह है, ये इस फार्मूले की तरह है कि देखिए, ऊपर माइनस है, 2 tan inverse को माइनस करने वाला फार्मूला होता है tan inverse x-y/1+xy। तो आपको x की जगह यहां पर दिख रहा है 5x और y की जगह यहां पर दिख रहा है 3x। तो जब आप इसको इन दोनों में ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, x की जगह लिखेंगे 5x और y की जगह लिखेंगे 3x। अब कर देंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, टेन इनवर्स x का पहले रूल लगाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए समझेंगे x। तो टेन इनवर्स x का होता है 1/1+x². अब देखिए, टेन इनवर्स का फार्मूला लगा दिए, तो अब इसका डिफरेंशिएशन, 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5, फिर माइनस, पहले टेन इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, साथ वाली चीज को समझेंगे कि x है, तो टेन इनवर्स x का होगा 1/1+x², फिर इनटू टेन इनवर्स को छुपा लेंगे और 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3, तो 5/1+25x² और 3/1+9x². ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आपको खूब अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप देख रहे थे। अब अगली क्लास में, हम लोग मिलेंगे और आपको बताएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। सभी लोग इन सभी क्वेश्चनों को खूब बार बार लगा के प्रैक्टिस कर लें, एक फेयर कॉपी आप बना लें, उसके बाद आपके स्कूल में जो भी बुक चलती है आप उस बुक से लगाइए, उम्मीद है पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो सब लोगों को गुड बाय, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।